नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 अक्टूबर 2021। इस डिस्कशन में हम 23 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए, आप इस वीडियो में हमने स्पीडी 2021 की जो मैगजीन है इसके करंट अफेयर के 40 क्वेश्चनों को कवर किया है। ये 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मैरीना बीच कहाँ स्थित है? तो ये है चेन्नई में, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन इसको 1911 में रद्द कर दिया, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आज की जो करंट अफेयर की डिस्कशन है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश ने 21 अक्टूबर 2021 को अपना पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है? देखो ये क्वेश्चन डेट वाइज एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा, तो बताइए आंसर क्या होगा। तो अभी हाल ही में 21 अक्टूबर 2021 को दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साउथ कोरिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन उठता है, ये जो रॉकेट है इसका नाम क्या है? तो देखो इसका जो नाम है ये है नूरी। नाम भी आप याद रखेगा, एग्जाम में नाम भी पूछा जा सकता है। और ये पूरी तरीके से साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। साउथ कोरिया की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं वियतनाम से। वियतनाम की कैपिटल क्या है? इसकी जो कैपिटल है ये है हनोई। हनोई इसकी कैपिटल है। क्वेश्चन उठता है, इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो वियतनामीज डोंग ये इसकी करेंसी है। जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, और यूरो ये जर्मनी की करेंसी है। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। प्योंगयांग ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, और इसकी करेंसी है नॉर्थ कोरियन वोन। नॉर्थ कोरियन वोन ये करेंसी है इसकी। अब बात हुई है साउथ कोरिया की, तो लोकेशन देखिए आप, ये है साउथ कोरिया। नीचे ये देखिए आप, ये इसकी कैपिटल है ऊपर सियोल, और सियोल इसकी लार्जेस्ट सिटी है। करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वोन। इसके प्रेसिडेंट आप याद रखेगा मून जे इन। मून जे इन ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इमुनेत्रम और आईटी नानमम, फिर से बोलता हूँ, इमुनेत्रम और आईटी नानमम नामक दो वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है? बताइए आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ला नहीं, यहाँ पे का आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। इन्होंने 22 अक्टूबर 2021 को जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा ये जो दो वेब पोर्टल हैं जिसका नाम है ई मुनेत्रम और आईटी नानमम, इनको डेवलप किया है। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है इसके द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब क्वेश्चन उठता है, सिंपल भाषा में समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है इन दोनों पोर्टलों का। तो देखो गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है इसको एनहेंस करना, इसको बूस्ट करना, तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। तमिलनाडु से एक पॉइंट और याद रखेगा, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। अब लोकेशन देखिए आप तमिलनाडु की, ये है तमिलनाडु की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तीन राज्यों के साथ तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चेन्नई कैपिटल है, 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, आर एन रवि राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाईकोर्ट है जिसे मद्रास हाईकोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। संजीव बैनर्जी मुख्य न्यायाधीश हैं। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व,
मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुंडी नेशनल पार्क। अब लेक की बात करते हैं। पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, कोलावई लेक, अम्बातूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानल्लूर लेक, तो ये सभी लेक ये तमिलनाडु में स्थित हैं। पुलिकट लेक आप याद रखेगा जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। थर्ड क्वेश्चन, किस देश की विदेश सचिव जिनका नाम है एलिजाबेथ ट्रस 22 से 24 अक्टूबर 2021 के बीच भारत की दो दिवसीय यात्रा पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर है ब्रिटेन, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन। की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? लंदन, लंदन इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग ये करेंसी है, ये भी आप याद रखेगा। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। अब फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। जापान की कैपिटल टोक्यो और इसकी जो करेंसी है ये है येन। रशिया कैपिटल है मॉस्को, इसकी और करेंसी है रशियन रूबल, रशियन रूबल ये करेंसी है रशिया की। थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर सही है ब्रिटेन। फोर्थ क्वेश्चन, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो देखो ये हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी आज ये दिवस आज मनाया जाएगा 23 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर की बात करें, 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे ये मनाया जाता है। 20 अक्टूबर की बात करें वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये मनाया जाता है। 21 अक्टूबर की बात करें तो देखो 21 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे, ये भी आप याद रखेगा। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारत का पहला, फिर से बोलता हूँ, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर बनेगा, मतलब किस राज्य में बनेगा, ये इसका आंसर आपको बताना है। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है 23 अक्टूबर। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी 21 अक्टूबर 2021 को जो हमारे केंद्र मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भारत 2030 तक 10, फिर से बोलता हूँ, 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, खबरों में रहा ग्लासगो शहर किस देश में है? तो ये आप याद रखेगा ये कहाँ पर है, ये स्कॉटलैंड में है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्कॉटलैंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्पेन की बात करते हैं, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है। स्पेन की जो करेंसी है यह है यूरो। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, इसकी और करेंसी की बात करें इसकी करेंसी है यूरो। पुर्तगाल की बात करें इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है लिस्बोन और इसकी कैपिटल क्या है यूरो। याद रखेगा स्पेन की कैपिटल यूरो, जर्मनी की कैपिटल यूरो और पुर्तगाल की कैपिटल यूरो। स्कॉटलैंड की बात करते हैं इसकी कैपिटल क्या है, देखो यूरो तीनों की करेंसी है सेम। स्कॉटलैंड इसकी कैपिटल क्या है, एडिनबर्ग, एडिनबर्ग ये क्या है कैपिटल और करेंसी क्या है स्कॉटलैंड की, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग ये करेंसी है स्कॉटलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉटलैंड की लोकेशन देखिए आप, देखो ये है स्कॉटलैंड और ये इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग। भारत का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कपड़ा निर्यात से कितने अरब डॉलर प्राप्त करने और इस संबंध में और योजनाएं लाने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा 100, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को अशफक उल्ला खान की 121वीं जयंती मनाई गई? तो बताइए ये भी कब मनाई गई, तो ये मनाई गई कब, 20 अक्टूबर 2021 को। फिर से बोलता हूँ 20 अक्टूबर नहीं 22 आएगा, 22 अक्टूबर 2021 को अशफक उल्ला खान की 121वीं बर्थ एनिवर्सरी ये मनाई गई, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 अक्टूबर। नाइन्थ क्वेश्चन, द स्टार्स इन माई बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी गई है दिव्या दत्ता के द्वारा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टेंथ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपराध के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर क्या हो जाएगा इक्वेडोर।
डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसकी कैपिटल आप याद रखेगा, इक्वेडोर। इसकी कैपिटल क्या है? क्यूटो। क्यूटो इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूएस डॉलर, यूएस डॉलर करेंसी है। इसके आप प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखेगा, गुलेरमो लेसो, गुलेरमो लेसो। ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है इक्वेडोर के। अभी कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे, भारत ने कृषि, खनन, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किस देश के साथ भागीदारी की? ऑस्ट्रेलिया सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष भवन का उद्घाटन किया? गुजरात सही आंसर है। हर वर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर सही आंसर है। किस देश के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान बंडुला वर्णपुरा का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया? श्रीलंका सही आंसर है। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन ने 20 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 20 अक्टूबर 2021 को किस उच्च न्यायालय में चार नए न्यायाधीशों ने शपथ ली? उत्तर प्रदेश के किस जिले से मोदी वैन की शुरुआत हुई? भारतीय सेना ने किस राज्य में फॉरवर्ड एरिया में पहली बार हवाई क्षेत्र नियंत्रण केंद्र की स्थापना की? हर वर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर 2021 में माउंट एसो ज्वालामुखी फट गया, यह किस देश में है? विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।